हम कर्मचारी चयन बोर्ड में काफी दिनों से आ रहे हैं, लगातार जो पहले चेयरमैन थे हरिप्रसाद शर्मा जी उनसे कह रहे थे कि वन रक्षक भर्ती है, BCHS 110 का परिणाम है, रीट का परिणाम है, फायरमैन का परिणाम है, आप इनका परिणाम जल्द से जल्द निकालिए और CET जो 15 गुणाओं की लिस्ट है वो जारी करिए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा थी इन्होंने 17 सितंबर घोषित करी थी, ना तो CET की अभी तक लिस्ट जारी हुई है, ना परीक्षा का पता है, चाहे सूचना सहायक की हो, चाहे वो संगणक की हो, चाहे आने वाले समय में जो विज्ञप्तियां जारी होना हो। और चेयरमैन साहब कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, नया चेयरमैन नहीं आ रहा, और राजस्थान सरकार का पता नहीं ऐसा रवैया क्यों हो रहा है कि ना तो बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं, और जब हम इन कर्मचारियों से कहते हैं कि आपको परिणाम जारी करने में कहीं भी किसी प्रकार से चेयरमैन की दिक्कत नहीं है, तो ये भी आनाकानी कर रहे हैं, ये भी ठारम टोल कर देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जिन भर्तियों के परिणाम जारी होने हैं, वन रक्षक के, फायरमैन के, रीट के, उनके परिणाम जारी करें, और जिन विज्ञप्ति जारी हो रही है उनकी विज्ञप्ति जारी करें, और जिनकी परीक्षा होनी है तय समय पे उनकी परीक्षा कराएं। लगातार हम बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेके बोर्ड में कई बार आए, लेकिन बेरोजगारों के काम नहीं होने के कारण से बेरोजगारों को रोज घरों से आना पड़ता है। ये तमाम बेरोजगार बैठे हैं, कोई बीकानेर से है, कोई जैसलमेर से, कोई पाली से, इतनी दूर से बेरोजगार आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा काम होगा, लेकिन ये राजस्थान सरकार और ये कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे अधिकारी ना तो बेरोजगारों की सुनते हैं, ना किसी की सुन रहे हैं। आज बेरोजगारों को दर दर की ठोकर खाने पड़ रही है, बेरोजगारों को घूमना पड़ रहा है, कोई वैकेंसी 2020 की है, कोई वैकेंसी 2018 की है, और वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो रही। कर्मचारी चयन बोर्ड को शर्म आनी चाहिए कि बेरोजगारों को क्यों परेशान करे, क्यों इनका परिणाम जारी नहीं होता, क्यों इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं होती, क्यों समय पर एग्जाम नहीं हो पाती इनकी। ये राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड का फेलियर है, या तो अपनी नीतियों में या अपनी व्यवस्था में सुधार कर ले। ये राजस्थान का युवा है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे, गहलोत जी कहते हैं युवा मेरे साथ है, काई का युवा साथ है आपके, युवा सड़कों पे बैठा है, युवा परेशान है, युवा की समस्या आपको सुननी है तो आप अधीनस्थ बोर्ड आओ, आप सड़कों पे देखो कि युवा कितना परेशान है। अगर युवा की मांगों को, युवा की समस्या को ये सरकार नहीं सुनती है, ये बोर्ड के कर्मचारी नहीं सुनते हैं, तो ये चुनाव में 23 में कोई भी बेरोजगार युवा सरकार को वोट देने वाले नहीं है।